और ऐसे शायर के घर में एक खातून रहती हैं और वो शायरी करती हैं और यकीन दिलाने के लिए तशरीफ लाती हैं, मोहतरमा मोमना वहीद। नासिर मजीद साहब ने मेरा तारुफ कुछ अजीबो गरीब सा करा दिया और मैं हैरान हो गई हूँ इसमें। मैं उनके घर में नहीं रहती, मैं उनकी बेगम साहिबा हूँ। और मेरा ख्याल है कि ससुराल आने में यही सबसे बड़ी कबाहत है कि आपको कहीं भी बख्शा नहीं जाता। चलो दाद मिल गई है फिर, मैं खुदा हाफिज। नज़्म का उन्वान है हजारा बस सर्विस। वाह, पुरानी नज़्म है लेकिन मंजरनामे के हिसाब से नई है और ताज़ा है। मैंने देखा और मैं महवे ख्वाब नहीं थी। मैंने देखा और मैं महवे ख्वाब नहीं थी, मासूमों की एक मुसाफिर बस को वहशी नजरों की यलगार ने रोका। कई दरिंदे इंसानों की जान उठाने आए थे, मासूमों की एक मुसाफिर बस को वहशी नजरों की यलगार ने रोका। कई दरिंदे इंसानों की जान उठाने आए थे, इजराइल तो शाम में था। इसराइल तो शाम में था, नन्हे बच्चों बेबस मर्दों और हवा की तस्वीरों की जान इकट्ठी खींचने में वो इस दर्जा मसरूफ था गोया, और किसी का और कहीं पर मरने का इम्कान नहीं था। इसराइल तो शाम में था, नन्हे बच्चों बेबस मर्दों और हवा की तस्वीरों की जान इकट्ठी खींचने में वो इस दर्जा मसरूफ था गोया, और किसी का और कहीं पर मरने का इम्कान नहीं था। हर जानिब बारूद की धुंध उबलती थी, कातिलों के खुद साख्ता रब की बिनाई पर काला जाला लटक रहा था। इसराइल की गफलत की दीवार के पीछे कई दरिंदे जिम्मेदारी पहन चुके थे, बस की सांसें उखड़ रही थीं और मैं उसको ढूंढ रही थी। जब मैंने आवाज भरी तो आधी सदा थी और आधी चिल्लाती चीख। दूसरी बस में कातिलों का रब नजर बचाकर निकल गया था।